नमस्कार, आप देख रहे हैं मिडकैप बाजार। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। बाजार में अच्छी तेजी, हफ्ते की स्ट्रॉन्ग शुरुआत हुई। निफ्टी, निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पर, इनफैक्ट रिकॉर्ड हाई पर यहां पर कारोबार होते हुए दिख रहा है। निफ्टी पर फिलहाल नजर डालें तो 9960 का स्तर देखने को मिल रहा है, आधा परसेंट तक की तेजी। और वहीं सेंसेक्स में भी आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी है, लगभग 215 अंकों का इजाफा देखने को मिल रहा है। आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए सिमी भौमिक हमारे साथ मौजूद है। सिमी, गुड आफ्टरनून। आज अच्छी तेजी है और कहीं ना कहीं बैंक की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, तो निफ्टी पर फिलहाल क्या टारगेट्स आप सजेस्ट करेंगी? गुड आफ्टरनून पल्लवी, मुझे लगता है कि निफ्टी बुलिश है। निफ्टी आज ओपनिंग में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, 9920-9930 इस रेंज के बीच में निफ्टी का लास्ट वीक का रेजिस्टेंस था, क्रॉस नहीं कर रहा था। आज सुबह निफ्टी उस रेंज के ऊपर ही खुला था और थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद भी निफ्टी में जो मोमेंटम है वो मेंटेन्ड हो रहा है। अभी 9670 के आसपास है, अपना टारगेट 10,000 का था। लास्ट वीक भी कह रहे थे कि 9920-9930 जब क्रॉस होगा तब फ्रेश मोमेंटम निफ्टी में दिखेगा और निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट 10,000। तो निफ्टी अभी 10,000 के ओर जा रहा है, टारगेट वही है। स्टॉप लॉस 9910 का रखा है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि स्टॉप लॉस को धीरे धीरे रेज कर रहे हैं। पहले तो काफ़ी नीचे था, 9800 से भी नीचे था, उसके बाद 9840 का था, अभी 9900 से भी ऊपर आ चुका है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 9910 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है और टारगेट 10,000 का है। ओके, एंड सिमी, अभी मार्केट इस वक्त 9970 टच कर रहा है और क्लियरली बैंक निफ्टी से काफी ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके लिए क्या टारगेट देंगी बैंक निफ्टी के लिए आप? फिर भी बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश है, लास्ट वीक भी पूरा मार्केट को आउट परफॉर्म किया था। इस वीक में थोड़ा सा लग रहा था कि एक बार कंसोलिडेशन में जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जहां पे बंद किया था वो एकदम रेंज का मिड पॉइंट था। तो जो भी है, आज वापस मोमेंटम एक्वायर किया है और बैंक निफ्टी अभी 24,400 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। जो रेंज हम लोग देख रहे थे 24,000 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था और अपना टारगेट 24,450 से 24,500 का था। 450 का लेवल तो ऑलरेडी आ चुका है, अभी 500 के लिए इंतजार कर रहे हैं। पर स्टॉप लॉस अब अगर कोई यहाँ पे बैंक निफ्टी मेंटेन कर रहा है तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड रखना पड़ेगा। 24,330 के नीचे ही स्टॉप लॉस रहेगा और 24,500 का टारगेट रहेगा। जी, ऑलराइट। तो यहाँ पर 24,500 का टारगेट निफ्टी बैंक में, 24,330 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। लेकिन आज मिडकैप में भी एक्शन और उन स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर आज अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। छोटे मझौले काउंटर्स की अगर बात करें तो जीमार इंफ्रा, यहां पर अच्छी तेजी आज के सेशन में बनी है और साथ ही साथ अगर छोटे कुछ बैंक्स पर नजर डालें तो वहां पर भी अच्छी बाइंग है। कुछ स्टॉक्स पर नजर डालते हैं, यहां पर राजेश एक्सपोर्ट्स 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, जीमार इंफ्रा 6.5% ऊपर है। इसके अलावा अदानी पावर 4% की तेजी दिखा रहा है, बजाज फिनसर्व यहां पर भी 2.25% की तेजी और बैंक ऑफ इंडिया यहां पर भी 2% का गेन देखने को मिल रहा है। लेकिन गिरने वाले शेयरों में आज एमआरपीएल काफी ज्यादा कट के साथ 4% नीचे ट्रेड कर रहा है, डिवीज लैब 4% नीचे। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन 1.5% और जिलेट एबीबी जैसे स्टॉक्स है जहां पर 1% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा तमाम होटल जेपी ग्रुप के कंपनीज में भी आज अच्छी खासी तेजी है, ब्रोकरेज फर्म में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। होटल शेयर में देखिए रॉयल ऑर्किड में भी अच्छी तेजी और ब्रोकरेज शेयर में देखिए IIFL होल्डिंग करीब 3% की मजबूती के साथ और मोतीलाल ओसवाल 7% की मजबूती के साथ आज ये शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन अब वक्त है कॉरल, हमारे साथ काफी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जतिन जी जुड़े हुए हैं। जतिन जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग गति। मेरे पास 200 शेयर्स हैं 152 रुपीस पे और एक मेरे पास अरविंद के 50 शेयर्स हैं 409 रुपीस पे। अरविंद के शेयर्स किस भाव पर लिए आपने? 409 पर आपने अरविंद के शेयर्स लिए हैं और गति 152 पे। ओके, गति में तो आपको नुकसान हो रहा है लेकिन अरविंद के लिए कांग्रेचुलेशंस, काफी अच्छा फायदा। नहीं, अरविंद में भी आपको नुकसान हो रहा है, 409 पर आपने लिया है, 368, तो दोनों ही शेयरों में नुकसान हो रहा है। बता सकते हैं कब तक के लिए होल्ड कर सकते हैं दोनों ही शेयरों को आप? शॉर्ट टू मीडियम टर्म, अराउंड 6 मंथ। ओके सिमी, इनके पास अरविंद के शेयर्स हैं जो कि इन्होंने 409 के भाव पर लिया है और गति इनके पास करीब इन्होंने 152 के भाव पर लिया है, दोनों ही शेयरों में नुकसान है और मीडियम शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अब ये होल्ड कर सकते हैं। क्या राय देंगे इन दोनों ही शेयरों में आप?
पूजा, अरविंद में तो मैं बुलिश हूँ, पर समाओ ये स्टॉक का मोमेंटम नहीं ले रहा है। मैं बहुत पहले से ही मैं सोच रही हूँ कि 390 का रेंज क्रॉस करके निकल जाएगा इस बार, तो इसमें मोमेंटम आएगा, पर जो भी है ये 390-380 के आसपास जाके ठक जाता है, वो रेंज क्रॉस नहीं होता है। डाउनसाइड अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि 360 से 345 के बीच में अच्छा सपोर्ट है, और जब तक ये सपोर्ट होल्ड होता है तब तक कोई फ्रेश वीकनेस तो नहीं दिख रहा है। ये स्टॉक एक्चुअली कंसोलिडेशन मोड में है, उनके पास 6 महीने का टाइम है, और मुझे लगता है कि 6 महीने का टाइम फ्रेम में उनको मैं होल्ड करने का ही सलाह दे सकती हूँ। 350-345 आपके लिए सपोर्ट एरिया होगा। अगर इस रेंज के बीच में मिलता है इन दिनों में तो आपको वहाँ पर एडिशन करने का मैं सलाह दे रही हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही होगा, 6 महीने के लिए भी आपका टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, पर अगर आप निचले स्तर पर थोड़ा सा एडिशन करेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि आपका परचेस प्राइस काफी ऊपर का है, थोड़ा सा एडिशन हो जाएगा तो अपना जो कॉस्ट ऑफ एक्यूमुलेशन वो भी लोअर हो जाएगा, तो आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। गति, रहा सवाल गति के, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं है। जीएसटी के बाद जो भी एक मोमेंटम लेने का था वो मोमेंटम भी इसमें मिसिंग है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड कर पाएंगे तो ठीक है, पर 6 महीने का आपका आउटलुक आपको कितना रिटर्न देगा मुझे मालूम नहीं है। अगर मैं आपके जगह होती तो शायद मैं एग्जिट करने के लिए सोचती। कोई राइट, तो आपके पास कितना समय है उसके आधार पर चूज कर लीजिए, 6 मंथ्स तक होल्ड कर सकते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ संजय है बोकारो से। संजय गुड आफ्टरनून, बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून, मेरे पास एसआरएफ के शेयर हैं 1660 के भाव पर 10। अच्छा, 1660 पर, और कितना टाइम रख सकते हैं? और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है 334 पे। 334 पर? हाँ, 334 पर। लॉन्ग टर्म के लिए क्या दोनों ऑप्शंस? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए 3-4 टर्म रख सकते हैं। ठीक है, 334। इनफैक्ट अच्छा मुनाफा इनको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में हो रहा है, लेकिन अगर बात करें इनके दूसरे स्टॉक की एसआरएफ, तो इन्होंने तेजी में खरीदा है, 1600 से ऊपर की खरीदे, इसलिए वहां पर इनको नुकसान हो रहा है। सिमी क्या सजेस्ट करेंगे एसआरएफ में क्या कर सकते हैं? क्वांटिटी कम है लेकिन भाव बहुत ऊपर है। पल्वी, मैं तो उनको होल्ड करने का ही सलाह दूंगी, पर फिलहाल एडिशन करने का सलाह नहीं है, क्योंकि चार्ट में थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है और हो सकता है ये स्टॉक 1500 के नीचे चला जाए शॉर्ट टर्म में, और उससे नीचे जाने के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट 1450-1430 के आसपास होगा, तो एडिशन करने का सलाह नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ के रखना है तो रख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मुझे लगता है कि उनको शायद निराश नहीं करेगा अगर यहाँ से एक साल अगर होल्ड करने का इच्छा है। रहा सवाल आईसीआईसीआई प्रूफ के, तो मुझे लगता है कि कोई भी डीप में फ्रेश खरीदारी करने का भी सलाह होगा मेरी तरफ से। ये चल नहीं रहा है, आज बहुत दिन बाद मोमेंटम लिया है, तो मुझे लगता है कि मोमेंटम मेंटेन होगा। ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा। आईसीआईसीआई प्रूफ डेफिनेटली होल्ड। ओके, तो आईसीआईसीआई प्रूफ में होल्ड करने की राय सिमी की तरफ से। हमारे साथ महाराष्ट्र से दर्शक जुड़े हैं, रोहित जी ने हमें कॉल किया है। जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरे पास टाटा कम्युनिकेशन है, 200 शेयर है मेरे पास। ओके, ये कब की खरीदारी है आपकी? हाँ, 764 जी। ये कब लिया था आपने? अभी अभी लिया था, वो पिछले रिजल्ट के पहले, तो आज रिजल्ट है ना, तो आज किसी कारण नीचे आता है तो एवरेजिंग कर लेते हैं मैडम। ओके ठीक है, जान लेते हैं। डेढ़ साल रुक सकता हूँ मैं। जी जी, चलिए पूछ लेते हैं सिमी से, राय ले लेते हैं। सिमी, टाटा कम्युनिकेशन के इन्होंने 764 के भाव पर लिया था, पिछले क्वार्टरली रिजल्ट में इन्होंने लिया था, और आज भी कंपनी के नतीजे आने वाले, उसके पहले हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। जानना चाह रहे हैं कि इस लेवल पर एवरेजिंग कर लें और लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को? जी, एवरेजिंग करने का सलाह नहीं होगा पूजा, क्योंकि पूरा सेक्टर अभी वीक है, और रिलायंस जियो के बाद मुझे लगता है कि अभी कोई भी ये टेलीकम्युनिकेशन स्टॉक में फ्रेश खरीदारी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स मुझे नहीं लगता है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। रहा सवाल टेक्निकली, तो मुझे लगता है कि मेजर सपोर्ट के आसपास है, 650-640 ये सपोर्ट एरिया ही है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट ये है, क्योंकि लास्ट मई जून जुलाई 3 महीने में मैं देख रही हूँ ये स्टॉक उस रेंज को होल्ड किया है, पर आज का रिजल्ट अगर बहुत खराब आएगा तो ये रेंज ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ब्रेकडाउन होकर ये कहाँ पे जाएगा मैं नहीं देख सकती, पर वापस ये 640-650 का रेंज के ऊपर जब तक नहीं आता है तब तक इसमें कोई एवरेजिंग करने का सलाह नहीं होगा। ओवरऑल लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तो होल्ड कीजिए, पर कोई एवरेज मत कीजिए, मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है।
ठीक है, थोड़ा प्रेशर दिख रहा है पूरे टेलीकॉम स्पेस में, इसलिए एवरेजिंग की सलाह तो बिल्कुल नहीं होगी आपको, अभी होल्ड ऑन करने की सलाह है टाटा कम्युनिकेशंस में। और फोन लाइन पर दीपक हैं दिल्ली से। दीपक जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? बजाज फाइनेंस। किस भाव पे? 1610 के रेट पे 40 शेयर खरीदे। ओके, और कितना समय दे सकते हैं सर? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, कम से कम मिनिमम 3 इयर्स तो है ही, उसके अलावा 5 इयर्स तक मैक्सिमम। ठीक है, सिमी इनकी खरीद के आसपास ही है, 1610 पे लिया है फिलहाल, अगर देखें 9 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए बजाज फाइनेंस में? देखिए पल्लवी, स्टॉप लॉस देना बहुत मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, पर यह स्टॉक ओवरऑल 3 साल के लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि उनको पोर्टफोलियो में शामिल करके उनको रखना है, थोड़ा सा टाइम देना है, पेशेंस रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए यह स्टॉक अच्छा साबित होगा। करंट लेवल्स पर भी बाई करेंगे और इतना बड़ा अगर टाइम होराइजन है तो मुझे नहीं लगता है कोई रिस्क है, होल्ड कीजिए। अच्छा स्टॉक है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, 3 साल के लिए होल्ड कीजिए। तो बजाज फाइनेंस में होल्ड करने की राय। मुंबई से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, प्रदीप जी ने हमें कॉल किया है। जी नमस्कार। मैडम जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैंने हिंडाल्को लिया था 200 रुपए 20 पैसे के भाव से, वो सिमी जी के ही इसमें लिया था, मैंने रिकमेंड पे लिया था, लेकिन उन्होंने टारगेट 211 बताया था, लेकिन मैंने नहीं बेचा है, रखा है, तो क्या अभी रख सकते हो? मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मैं रखना चाहता हूँ। 211 का टारगेट आपने बताया, 211 का टारगेट दिया था सिमी जी ने। चलिए, टीवी का वॉल्यूम ओपन और संपर्क नहीं हो पाया। सिमी जी, आपके रिकमेंडेशन पे इन्होंने लिया था हिंडाल्को का शेयर्स और 200 के लेवल पर लिए थे, 211 का आपने टारगेट दिया था, 214 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से आप जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, इस लेवल पे बने रहें या एग्जिट कर लें अभी? पूजा, एग्जिट करने का तो सवाल नहीं होगा, क्योंकि मैं जब कोई स्टॉक जब स्ट्रेंथ शो करता है तब मैं ट्रेन के साथ ही चलना पसंद करती हूँ। ये स्टॉक जब 200 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था तब इसका टारगेट 208 से 212 का था, ये टारगेट अचीव हो चुका है और ये स्टॉक अभी सरेंडर भी नहीं किया है, उस रेंज के ऊपर ही है, ऑलमोस्ट हाईज के आसपास ही है, तो यहाँ पे एग्जिट करने का सवाल नहीं होगा। एक कम से कम स्टॉप लॉस उनको मैं जरूर यूज करने के लिए कहूंगी, क्योंकि उनको जो भी पैसा बन रहा है शॉर्ट टर्म में वो पैसा हाथ से चला ना जाए। 208 207 के आसपास एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट उससे नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना पड़ेगा पोजीशन। हो सकता है इस रैली में ये 220 तक भी दिखा दे, क्योंकि ये इतना ऊपर आने के बावजूद भी मोमेंटम लूज नहीं कर रहा है, इस कारण से ही मैं होल्ड करने के लिए कह रही हूँ। 220 का टारगेट आप इस बार रखिए, लगता है बहुत जल्दी आपको 220 का टारगेट मिलेगा। तो पहला टारगेट आपका हिट हुआ आप, लेकिन आपने होल्ड ऑन किया, 220 का सेकंड टारगेट दे रही है सेमी, अभी आपको होल्ड ऑन करना है हिंडाल्को के अंदर। कुछ और दर्शक के सवाल पूछना चाह रहे हैं, उपिंदर हैं इस वक्त फोन लाइन पर। उपिंदर जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम मेरे पास ग्रासिम इंडस्ट्रीज का 100 शेयर है, 1315 रुपए के भाव से लिए हुए हैं। अच्छा, 100 क्वांटिटी है, 1315 पे लिया है आपने, और कितने समय से इसे होल्ड कर रहे हैं? मैम इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए चाहता हूँ मैं तो, 1 से 2 साल तक का। आज यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, 0.1% की कमजोरी है, 1053 के स्तरों पर ये ट्रेड कर रहा है। सिमी क्या सजेस्ट करेंगे? एज ही सेड लॉन्ग टर्म रख सकते हैं ग्रासिम को, और खरीद 1315 की है, व्हाट वुड यू सजेस्ट? एक्चुअली पल्लवी, उनका रिस्ट्रक्चरिंग के बाद जो प्राइस आता है उन्होंने उतना वो प्राइस नहीं देखा है शायद, ये स्टॉक उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है रिसेंटली, तो मुझे लगता है कि उनको अभी उनका जो कॉस्टिंग है वो थोड़ा सा लोअर ही होगा, हो सकता है उनको हल्का सा लॉस हो रहा है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक खराब है, अच्छा परफॉर्म करेगा, ये डिलीवर करेगा अच्छा, ये ऐसा मेरा उम्मीद है। 1000 का लेवल आप मान के चलिए, वही इसका सपोर्ट होगा, 1000 से 995, मतलब ये 5 पॉइंट का रेंज है जो कि इसका शॉर्ट टर्म का सपोर्ट हो सकता है। ये स्टॉक अगर थोड़ा बहुत वीकनेस दिखाता भी है तो भी मुझे लगता है कि उस रेंज के आसपास इसमें वापस बाइंग इमर्ज होगी, तो आपको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो जरूर होल्ड कीजिए, उस रेंज जो मैंने कहा है 1000 से 995, उस रेंज पे आने के बाद वापस एड ऑन कीजिए, आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है ये स्टॉक। और एचडीएफसी बैंक के एक बार स्टॉक पे नजर डाल लेते हैं, नतीजे आए हैं पैट इन लाइन, लेकिन एसेट क्वालिटी में प्रेशर, चलिए देखते हैं सीधे मैनेजमेंट का क्या कहना है। अर्ली टाइम वी हैवंट सीन एनी मीनिंगफुल इंपैक्ट यू नो ऑन ईदर डिसबर्समेंट्स और देयर हैज बीन कंसर्न व्हेदर देयर इज इंपैक्ट ऑन एसेट क्वालिटी। आई थिंक इट्स स्टिल अर्ली डेज एंड आई थिंक द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ ट्रांजिशन इटसेल्फ इज स्टिल, you know, the jury is still out.
But at this point of time, we haven't seen any meaningful impact. There was a bit of a, should I say, a pickup in demand for certain products in the June, you know, towards the end of June, which is really, in fact, in some ways, helped some of the retail lending products. तो आप सुन रहे थे मैनेजमेंट को यहाँ पर बयान रिजल्ट्स के बाद से भी. इनफैक्ट अगर क्विकली आपसे एक टेक ले सकें, प्रोविजंस जो है बड़े जरूर हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने ये कहा कि एग्री सेक्टर में बहुत बड़ा एक्सपोजर, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 60% का एक्सपोजर है, और जो भी कर्ज माफी हुई स्टेट्स में उसके चलते थोड़ा सा नंबर्स पे असर दिखा था. स्टॉक इसलिए हरे निशान में 1.5% ऊपर है. आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं अभी HDFC बैंक में? पल्लवी, अगर छोटा मोटा अगर मतलब रिजल्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है तो भी मुझे नहीं लगता है कि ये खराब होगा. ये स्टॉक एक्चुअली परफॉर्म करने वाला है, और करंट लेवल पर भी कोई खरीदता है और एटलीस्ट एक साल का नज़रिया रखता है तो मुझे लगता है कि ये डिसेंट रिटर्न जनरेट करेगा. तो मेरे तरफ से तो ये बाई है, बाई ऑन डिप्स, बाई एट करंट लेवल्स. कुछ भी हो, कहीं पे भी जाता है, मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक एक्चुअली लास्ट 4-5 साल से मैंने कोई भी क्वार्टर में नहीं सुना है ये स्टॉक खराब परफॉर्म किया है. तो और चार्ट भी वैसे ही शो कर रहा है, लॉन्ग टर्म ऑल टाइम हाई में है. तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई चिंता है, बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात है. होल्ड कीजिए, और चाहे कोई भी डिप में मिलता है ये स्टॉक तो फ्रेश खरीदारी कीजिए. जी, और 1695 का लो था इस स्टॉक में, और इस वक्त अपने डेज हाई पर ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है. बाय ऑन डिप्स में यहाँ पर खरीदारी करने की राय होगी.